तो यहाँ एक बात कही जा रही है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का दर्शन करते हैं तो आनंद को प्राप्त होते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का दर्शन करते हैं तो आनंद को प्राप्त होते हैं। तो गोपियां यद्यपि सुख नहीं चाहती है अपना सुख, किंतु वे जब देखते हैं कि हमें दर्शन करके भगवान कृष्ण आनंदित हो रहे हैं, तो जब व्यक्ति आनंदित होता है तो उसके शरीर में उसके लक्षण प्रकट होते हैं, उसके मुख का सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है, उसके शरीर का सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति आनंद में है उसके मुख पर, मुखमंडल पर प्रसन्नता व्यक्त हो जाती है, उसका शारीरिक सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति दुख में है उसके मुखमंडल देखने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति दुख में है। सुख दुख का जो देवता का है मुख, उसी से पता चल जाता है। तो गोपियाँ यद्यपि अपना सुख नहीं चाहती हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनके मुखमंडल पर वो प्रसन्नता व्यक्त हो जाती है, भगवान कृष्ण का सौंदर्य और वृद्धि प्राप्त हो जाता है जब वो प्रसन्न होते हैं, तो उनको देखकर गोपियाँ प्रसन्न होती हैं कि भगवान कृष्ण हमको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, यही हमारे जीवन धारण की सार्थकता है। शरीर धारण की सार्थकता इसी में है कि यदि यह शरीर भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान कर सके, इसलिए गोपियाँ अपने शरीर को सजाती हैं, आभूषण धारण करती हैं, शरीर का मार्जन करती हैं कि कृष्ण देखकर प्रसन्न हो, उनके शरीर को देखकर प्रसन्न हो। यही उनका शरीर मार्जन और आभूषण धारण करने का उद्देश्य है, अन्यथा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को देखकर प्रसन्न होते हैं तो गोपियां भी आनंद का अनुभव करती हैं और कृष्ण से अधिक आनंद का अनुभव करती हैं। भगवान कृष्ण जो आनंद का अनुभव करते हैं, गोपियों का आनंद कोटि गुण अधिक बढ़ जाता है। यही इस प्रेम का स्वभाव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है, शरीर धारण करने की सार्थकता है, और गोपियाँ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपियाँ इस प्रकार सोचती हैं, आमार दर्शन कृष्ण पाइल एत सुख, हमारा दर्शन करके कृष्ण ने इतना आनंद का अनुभव किया, इतना सुख प्राप्त किया, तो हमारा जो प्रेम है या हमारी भक्ति है उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण को सुख प्रदान करना है। तो गोपियाँ सोचती हैं कि हमारा दर्शन करने से भगवान कृष्ण ने इतना सुख प्राप्त किया, तो इस प्रकार सोचकर उनका शरीर भी पुलकित हो उठता है।
यही सुख है गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। तो यह जान करके कृष्णा हमारे शरीर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, हमें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए गोपियों के शरीर में प्रफुल्लता व्यक्त हो जाती है, प्रसन्नता व्यक्त हो जाती है, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता व्यक्त हो जाती है, वो भी प्रसन्न हो जाती है। किंतु कृष्ण सुख है गोपी रूप गुणे तार सुखे सुख वृद्धि है गोपीगण। तो इसलिए गोपियों का जो सुख है ये सुख कृष्ण के सुख पर आश्रित है। हम जब सुख की कामना करते हैं वो सुख दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, हम अपना सुख चाहते हैं इसलिए अपना कार्य करते हैं, किस प्रकार हम सुख को प्राप्त करें, अपनी इंद्रियों को कैसे सुख प्रदान करें। किंतु गोपियों का सुख कृष्ण के सुख पर आश्रित है, तो स्वयं सुख नहीं चाहते, किंतु जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं उनकी प्रसन्नता को देखकर गोपियां प्रसन्न हो जाती है, वो सुख का अनुभव करती है। यही गोपियों के प्रेम की विशेषता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं किंतु कृष्ण सुख है गोपी रूप गुणे, गोपियों के रूप या सौंदर्य को देखकर और उनके गुणों को देखकर कि गोपियां किस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हैं, उनको सुख प्रदान करने के लिए पूर्ण समर्पित है, इसको देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण सारे सौंदर्य के आगार हैं, मूल है, मूल उस है, फिर भी वो गोपियों के सौंदर्य से आकृष्ट होते हैं, क्योंकि गोपियां श्रीमती राधा रानी के विस्तार रूप है, राधा रानी के अंश हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार सौंदर्यमयी हैं तो गोपियां भी सौंदर्यमयी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य और उनके गुणों को देखकर प्रसन्न होते हैं, और जब गोपियां ये देखती हैं तार सुखे सुख वृद्धि है गोपीगण, तो भगवान कृष्ण के सुख को देखते हैं तो उनका अपना सुख में वृद्धि हो जाती है, वो इस सुख का अनुभव करती है। इसका अर्थ है कि हमारी सेवा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उद्दिष्ट नहीं है, या कृष्ण को हम सुख प्रदान करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम सुख को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो गोपियां जब कृष्ण को सुख प्रदान करती है स्वयं सुख का अनुभव करती है, और कोटि गुण सुख का अनुभव करती है। कृष्ण जितना सुख अनुभव करते हैं उससे कोटि गुणा अधिक आनंद या सुख अनुभव करती है। अतएव सही सुख कृष्ण सुख पोष है। इसलिए गोपियों का जो सुख ये कृष्ण के सुख का पोषण करता है। तो गोपियां सुख का अनुभव करती हैं कृष्ण के सुख के कारण। ये तो गोपी प्रेमे नहीं काम दोष है। इसलिए यदि कोई गोपियों पर यह आरोप लगाए कि गोपियां अपना सुख चाहती हैं तो आत्मेंद्रिय प्रतिबंधात अरे बोले काम, तो ये काम की कोटि में आना चाहिए। किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनका सुख कृष्ण के सुख पर पर्यवेसित है, कृष्ण के सुख पर निर्भर है, वो अपने सुख के लिए कार्य नहीं करते, कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए करते। जब कृष्ण सुखी होते हैं तब अपने आप वे भी सुखी होते हैं, ये स्वाभाविक है।
और गोपियों के प्रेम की और एक विशेषता है कि कभी कभी गोपियां भगवान कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, किंतु सेवा में कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो बाधा अपने सात्विक विकार के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात गोपियां जब प्रेमानंद का अनुभव करती है तो सेवा में बाधा पड़ सकती है, क्योंकि प्रेमानंद में जो सात्विक विकार परिलक्षित होते हैं उसमें हर्ष, आंखों में आंसू, शरीर में पुलक और कभी अचेतन स्थिति को भी व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दारुक जो भगवान कृष्ण का सारथी थे, दारुक तो भगवान कृष्ण के पास खड़े होकर वो चामर व्यजन कर रहे थे, पंखा जल रहे थे और भगवान कृष्ण को पंखा झेलते समय वो भगवान कृष्ण की ओर देख रहे थे और पंखा झेल रहे थे, किंतु भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखकर दारुक के हृदय में प्रेमावेश उत्पन्न हो गया, प्रेम के आवेश में आ गए दारुक, जिसके कारण उनके शरीर पुलकित हो उठा, शरीर में रोमांच उत्पन्न हुआ और आंखों में आंसू आ गए, उनके हाथ कांपने लगे। तो जो पंखा झल रहे थे वो पंखा झलने में बाधा उत्पन्न हो गई, भगवान कृष्ण की सेवा करने में बाधा उत्पन्न हो गई। तो यद्यपि दारुक प्रेम के आनंद का अनुभव कर रहे थे, किंतु सेवा में जब बाधा पड़ गई तो दारुक ने इस प्रेम को, इस प्रेमानंद को नहीं चाहा, क्योंकि इस प्रेमानंद के कारण सेवा में बाधा उत्पन्न हो गई, इसलिए उस प्रेमानंद के प्रति भक्त के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती राधारानी जब भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही थी तो दर्शन करने के कारण उनमें प्रेमानंद उत्पन्न हुआ और उस सात्विक आनंद के कारण आंखों में आंसू आ गए। तो राधा रानी जो कृष्ण का दर्शन कर रही थी उस दर्शन में बाधा उत्पन्न हो गई, जिसके कारण श्रीमती राधा रानी को इस प्रेमानंद के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया कि प्रेमानंद क्यों उत्पन्न हुआ, आंखों में क्यों आंसू आए जो कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न की। तो ये प्रेम की एक विशेषता है कि निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदर प्रति भक्तर हय महाक्रोधे, कि अपने प्रेमानंद यदि कृष्ण की सेवा के आनंद में बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो उस आनंद के प्रति, उस प्रेमानंद के प्रति भक्त के मन में महाक्रोध उत्पन्न हो जाता है, उस प्रेमानंद को वो नहीं चाहता है यदि कृष्ण की सेवा में वो बाधा उत्पन्न कर रहा। तो ये कृष्ण प्रेम की एक विशेषता जो गोपियों के प्रेम में उपस्थित थी, ये विशेषता।
और एक विशेषता है गोपियों के प्रेम की विशेषता, कि आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बिने स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहण। यह स्वाभाविक है कि जब कोई भगवान कृष्ण की सेवा करता है और शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसके लिए मुक्ति प्रतीक्षा करती रहती है। तो पांच प्रकार की मुक्ति कहा गया है। तो सायुज्य मुक्ति को भक्त लोग ग्रहण नहीं करते हैं, जिसमें ब्रह्म में एकाकार हो जाना, लीन हो जाना, ये सायुज्य मुक्ति है। जो निर्विशेषवादी हैं ये लोग सायुज्य मुक्ति की कामना करते हैं। जो भगवान को, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनको ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसको सायुज्य मुक्ति कहा गया है। तो भक्त लोग इस प्रकार की मुक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त लोग मानते हैं कि भगवान का रूप है, वो निराकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया है। वस्तुतः जिन लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है वही लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, वो निराकार है, क्योंकि उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया है। किंतु जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है ये लोग सभी यही कहते हैं कि भगवान का रूप है और वह दिव्य रूप है, हमारे जैसा भौतिक रूप नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव है और उन्होंने भगवान का दर्शन किया है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान का विग्रह अर्थात रूप है, और भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंदमय रूप है। हमारा रूप कैसा है, इसके संपूर्ण विपरीत। हमारा भौतिक शरीर पंचभूतों से बना हुआ शरीर, क्षिति अप तेज मरुत व्योम, इसलिए भगवान का शरीर ये पंचभूतों से बनाया गया नहीं, वो सच्चित आनंद से बनाया हुआ शरीर दिव्य शरीर है। तो भगवान का शरीर सत अर्थात नित्य, हमारा शरीर इसके संपूर्ण विपरीत अनित्य, ये नष्ट होने वाला है। भगवान का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का शरीर ज्ञानमय है, चिन्मय, हमारा शरीर अज्ञानमय। भगवान का शरीर आनंदमय, आनंद का स्रोत है, और हमारा शरीर निरानंद का स्रोत है, ये दुख देने वाला। यह शरीर यदि नहीं होता तो संसार का दुख हमें भोग करना नहीं पड़ता। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये शरीर के कारण है, क्योंकि हमें भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है, रोगों को प्राप्त करता है, व्याधि और वृद्धावस्था के कष्ट को भोग करता है। और ये शरीर की आवश्यकता है, भौतिक शरीर की आवश्यकता है आहार, निद्रा, मैथुन और सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भौतिक शरीर है। किंतु दिव्य शरीर में इन चार चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य शरीर में आहार की आवश्यकता नहीं है, निद्रा की आवश्यकता नहीं है, मैथुन की आवश्यकता नहीं है और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो लोग
भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ये भौतिक संसार में इसकी आवश्यकता है, भौतिक शरीर के कारण। जब इन आवश्यकताओं के परे जो चला जाता है वो दिव्य शरीर प्राप्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जैसे परीक्षित महाराज मृत्यु से पहले उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। जिस जल के लिए परीक्षित महाराज ने समीक मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया था, क्योंकि समीक मुनि के आश्रम में उनको जल प्राप्त नहीं हुआ, वही परीक्षित महाराज मृत्यु से पहले अन्न जल को त्याग दिया था। और केवल 7 दिन तक भगवान की कथा का अमृत पान करते रहे। उनको कोई आवश्यकता, इसकी आवश्यकता के अनुभव नहीं हुई, अन्न जल की आवश्यकता का अनुभव, क्योंकि वो कृष्ण कथा अमृत पान कर रहे थे जो दिव्य था। इसलिए दिव्य शरीर में अन्न जल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के धाम में कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है, किसी को भूख नहीं लगती है भगवान के धाम में, किसी को प्यास नहीं लगती है। तो ये लोग क्या भूखे रहते हैं वहाँ? नहीं, सब कुछ खा सकते हैं, सब पी सकते हैं, किंतु भूख प्यास से पीड़ित नहीं। और वहाँ मैथुन की आवश्यकता नहीं है भगवान के धाम में। तो भगवान जब आते हैं इस भौतिक धरातल पर अपने प्रिय पार्षदों के साथ, जैसे भगवान का गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का व्यवहार, उसमें मैथुन का कोई स्थान नहीं था, केवल प्रेम का प्रदर्शन मात्र था। इसलिए जब तक हम मैथुन भावना के ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक हम शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भक्तगण स्वाभाविक रूप से जो शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त होते हैं, ये 4 प्रकार के मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, सालोक्य, सामीप्य, शास्त्री, सारूप्य। सालोक्य भगवान के समान लोक को प्राप्त होना, सारूप्य भगवान के समान रूप को प्राप्त होना, शास्त्री भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त होना, सामीप्य भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त होना। तो भक्त लोग ये 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होते हैं। किंतु जो शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम से जिनका हृदय पूरित है, ये देखा जाता है कि भगवान की सेवा के लिए ये इन 4 प्रकार की मुक्ति को भी त्याग देते हैं, ये मुक्ति नहीं चाहते। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बिने स्वसुखार्थ सालोक्य आदि ना करे ग्रहण। तो जब भक्त इन मुक्तियों को ग्रहण करता है तो अपने सुख के लिए, कि चलो मैं संसार के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, तो यह अपने सुख की कामना इसमें है। किंतु जो शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम में जिनका हृदय पूरित है, पूर्ण है, ये लोग भगवान कृष्ण की सेवा को अधिक महत्व देते हैं, प्रेम सेवा को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए जिस मुक्ति में ये प्रेम सेवा नहीं है, वो उस मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। अपने सुख के लिए वो मुक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं, केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अपने
अपने शिक्षा श्लोक में मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतु केतु। जन्म जन्मांतर है कृष्ण, आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तो जन्म जन्मांतर कहने का अर्थ चैतन्य महाप्रभु मुक्ति नहीं चाह रहे, जो भक्त का अभिनय कर रहे हैं, भक्त का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्त यही चाहेगा कि उसको मुक्ति ना मिले, कोई दुख नहीं। जन्म जन्मांतर यदि कृष्ण की सेवा प्राप्त हो तो उससे वो सुखी होता है। कृष्ण को सुख देना यही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को, भक्तों की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सालोक्य शास्त्र सारूप्य सामीप्य क्योत्तम अपियुत दीयमानं न गृणन्ति बिना मत सेवनम जना। तो जो भक्तगण मेरी सेवा में लगे हुए हैं, कभी कभी मैं उनको ये मुक्ति देने पर भी मैं उनको ये वरदान देना चाहता हूँ, मुक्ति देना चाहता हूँ, ये लोग ग्रहण करना नहीं चाहते, ये लोग केवल मेरी सेवा चाहते हैं। तो ये कृष्ण प्रेम की एक विशेषता है जो गोपियों में विद्यमान थी। ये मुक्ति को नहीं चाह रहे थे, कृष्ण की सेवा ही उनके जीवन का ध्येय था। और ये गोपियाँ केवल कृष्ण की प्रेयसियाँ नहीं थी, कृष्णेर सहाय, वो सदा सर्वदा कृष्ण की सहायता करती थी। कभी गुरु के रूप में कृष्ण को उपदेश देती थी उनके मंगल के लिए, कभी कभी जैसे स्त्री स्वामी को उपदेश देती है स्वामी के मंगल के लिए, स्त्री गुरु का कार्य करती है, स्वामी की सहायता करती है। तो ये गोपियाँ उस प्रकार कृष्ण के साथ व्यवहार करते थे। बांधव प्रेयसी, और गोपियाँ कृष्ण के बंधु के समान व्यवहार करते थे। सुहृत, जो अपने निकटतम व्यक्ति के व्यक्ति की मंगल कामना करती है, जो वास्तविक सुहृत हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सारे प्राणियों का सुहृद हूँ, मंगलाकांक्षी बंधु हूँ, मंगल कामना करता हूँ। ये संसार में हम देखते हैं बंधु बांधव, किंतु ये जो संपर्क हैं ये स्वार्थ पर आधारित है। संसार में हम जिसको बंधु कहते हैं वो संपर्क स्वार्थ पर आधारित है। यदि बंधु के स्वार्थ में कोई हानि पहुंच जाती है तो वो संबंध तुरंत टूट जाता है। ये हम लोगों का अनुभव है भौतिक संसार, कि हम लोगों का संबंध स्वार्थ पर आधारित है। किंतु भगवान कहते हैं मैं सारे प्राणियों का मंगलाकांक्षी बंधु हूँ, तो वहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं। भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध में भक्त अपना स्वार्थ नहीं देखता। और भगवान सदा सर्वदा अपने भक्त और सारे प्राणियों के मंगल कामना करते हैं, कैसे प्राणियों का उद्धार हो, क्योंकि वो परम पिता है, अपनी संतान के दुख को नहीं देख सकते। इसलिए सारी व्यवस्था करते हैं कि संसार के जीव कैसे दुख से मुक्त हों। तो ये वही भगवान श्री कृष्ण वास्तविक स्वरूप है, बंधु है,
और गोपियाँ भगवान कृष्ण के साथ उनका जो संबंध था, तो इस प्रकार संबंध था को कृष्ण की मंगल कामना करते थे सदा सर्वदा। कृष्ण कैसे सुखी होंगे, उनका कैसे मंगल होगा, वो वास्तविक बंधु का कार्य कर रहे थे, श्रुत का कार्य कर रहे थे। गोपी का है न प्रिया शिष्या सखी दासी, और कभी गोपियाँ ऐसे तो कृष्ण की प्रेसियाँ थी, और कभी कृष्ण की शिष्या भी बन जाती थी, कृष्ण के आदेश को पालन करती थी, और उनकी सखी और उनकी सेविका सेविकाएं होती थी। तो इस प्रकार गोपी का जाने न कृष्णेर मनेर वांछित, तो कृष्ण के मन में क्या है ये गोपियां ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। वस्तुतः तो वही सेवक धन्य है जो अपने प्रभु के मन को समझ सके और मन को जानकर सेवा कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु या गुरु शिष्य को आदेश देते हैं तब जाकर शिष्य करता है, और ऐसे भी शिष्य होते हैं गुरु आदेश देने पर भी उसको नहीं कर पाते, आदेश का पालन नहीं कर पाते। तो ये जो शिष्य हैं जो आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं वो वस्तुतः शिष्य पदवाच्य नहीं, और कहने पर जो आदेश का पालन करते हैं वो उत्तम शिष्य हैं जो गुरु के आदेश का पालन करते हैं। किंतु गुरु के मन को जानकर, गुरु कहने से पहले मन को जानकर जो सेवा करते हैं सर्वोत्तम शिष्य। तो उसी प्रकार भगवान के मन को जानकर जो सेवा करती हैं ये गोपियाँ हैं, जो भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं उनको पता है, इसलिए वो कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण को आनंद प्रदान करने में समर्थ होती है। गोपी का जाने न कृष्ण मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित। तो किस प्रकार सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे गोपियों को पता है, इसलिए वो कृष्ण को प्रसन्न करने में समर्थ। तो ऐसे जो गोपियों का प्रेम है, तो इन गोपियों के मध्य में श्रेष्ठ गोपी कौन है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं सही गोपीगणों मध्य उत्तमा राधिका। तो इन गोपियों में जो श्रेष्ठ गोपी हैं, जो भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ सेवा करती है, अनयोराधितं भगवान हरिरीश्वर, जो अनन्य रूप से भगवान कृष्ण की आराधना की, ना अन्य अनन्य, और किसी ने इस प्रकार की आराधना कृष्ण की नहीं की। इसलिए श्रीमती राधा रानी इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठा। रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। तो श्रीमती राधारानी सारे गोपियों के मध्य रूप में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, रूप में, गुणों में, सौभाग्य में और प्रेम में। तो श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम बताया गया है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे गोपियों के प्रेम के संबंध में, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे थे कि गोपियों का जो प्रेम है वो रूढ़ भाव है। तो रूढ़ माँ बाप के संबंध में हम कल चर्चा कर रहे थे विस्तार पूर्वक, और श्रीमती राधारानी क्योंकि वो गोपियों में श्रेष्ठ गोपी हैं,
तो उनका भाव क्या है, अधिरूढ़ महाभाव। और किसी गोपी में ये भाव नहीं है, राधा रानी में एकमात्र ये अधिरूढ़ महाभाव। तो ये अधिरूढ़ महाभाव क्या है, इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। और विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में भी अधिरूढ़ महाभाव का वर्णन करते हैं। तो वे कहते हैं ये अधिरूढ़ महाभाव में जो सात्विक भाव है, ये सात्विक भाव एक अनिर्वचनीय विशिष्टता को प्राप्त हो जाता है। ये अधिरूढ़ महाभाव की विशेषता जो श्रीमती राधारानी में दृष्टिगत होता था। सर्वातिशाही सुख एवं दुख एक साथ में अनुभव होता है इस अधिरूढ़ महाभाव में। ये दिव्य सुख और दुख ये संसार में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, किंतु संसार के सुख दुख से ये भिन्न, कृष्ण प्रेम में जो सुख और दुख का उदय होता है ये एक अधिरूढ़ महाभाव का लक्षण है। तो एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि राधा रानी के प्रेम के बारे में, कि राधा रानी का प्रेम क्यों सर्वश्रेष्ठ है। तो शिव जी ने कहा कि ये देवी, संसार में जितने ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनके सुख और दुख वो अनुभव करते हैं सारे जीव। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं संसार में और उसमें जितने सुख और दुख हैं, इन सारे सुख और दुखों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए, एक स्थान पर सारे सुख, एक स्थान पर सारे दुख। तो ये सब एकत्रित होने पर भी राधा रानी के प्रेम सागर में जो सुख और दुख के तरंगे उठती हैं, उसके सामने ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख दुख अति तुच्छ है, एक बिंदु के समान। राधा रानी के प्रेम में जो सुख दुख का अनुभव होता है प्रेम सागर में, उसकी तुलना में ये सारे संसार के सुख दुख एक बिंदु के समान भी, ये बिंदु से भी न्यून है, कम है। तो ये राधा रानी का सुख दुख कैसा है जो दिव्य है। हमारा सुख दुख भौतिक है, शरीर से संबंधित, किंतु राधा रानी के सुख दुख दिव्य सुख दुख है। और ये दिव्य प्रेम में इस प्रकार का सुख और दुख उत्पन्न होता है। तो कृष्ण प्रेम में जब कृष्ण के साथ मिलन होता है तो सुख का अनुभव होता है, और कृष्ण से जब विरह का अनुभव होता है तो दुख का अनुभव होता है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक भौतिक उदाहरण देकर इसको समझाते हैं कि कृष्ण प्रेम में जो सुख दुख होता है वो किस प्रकार है। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि जब दुख आता है, संसार में कोई दुख नहीं चाहता,
हर व्यक्ति संसार में सुख को प्राप्त करना चाहता है, और यदि दुख आ भी जाए तो संसार के लोग कैसे उस दुख को दूर करेंगे उसके लिए प्रयास करते हैं। किंतु कृष्ण प्रेम में जो सुख दुख का उदय होता है वो दिव्य होता है। वहाँ पर दुख होने पर भी उसको दूर करने का प्रयास नहीं देखा जाता है, उस दुख में भी सुख का अनुभव होता है कृष्ण प्रेम में। यहाँ भौतिक संसार में दुख में कोई सुख का अनुभव नहीं करता, किंतु कृष्ण प्रेम में ऐसा अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हो जाती और उनका शरीर क्षीण हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देती, सदा सर्वदा कृष्ण का स्मरण करती रहती, तो गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण वचन देकर गए थे। जब मथुरा गए वृंदावन छोड़कर, वे वचन देकर गए थे कि अति शीघ्र वो लौट कर आएंगे, किंतु अभी तक कृष्ण मथुरा से ब्रज में लौट कर नहीं आए। उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया, वे अत्यंत निष्ठुर बन गए, इसलिए उनका त्याग देना ही हमारे लिए अच्छा है। गोपियाँ राधा रानी से कहती कि कृष्ण को त्याग देने से ये दुख और नहीं आएगा, विरह का दुख, क्योंकि कृष्ण अत्यंत निष्ठुर हैं और उनको त्याग देना उचित है। किंतु श्रीमती राधारानी कहते हैं कि कृष्ण से विरह का कष्ट भोग करने पर भी और कृष्ण को त्याग करने की इच्छा करने पर भी हम कृष्ण को त्याग नहीं सकते। बार बार कृष्ण हमारे हृदय में आकर अपनी स्मृति दिलाते रहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो उनको हम कैसे त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं कि यही प्रेम आस्वादन तप्त इक्षु चरवण। तो कृष्ण प्रेम का जो आस्वादन है ये इस प्रकार का है, एक भौतिक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि तप्त इक्षु चरवण। इक्षु अर्थात एक गन्ना, तो गन्ना को जब गर्म किया जाता है तो तप्त हो जाता है, तो किसी व्यक्ति को ऐसे गन्ने को खाना है जो गर्म किया हुआ है, उसको खाने के लिए दिया जाएगा तो उसको कैसा लगेगा? मुँह जलने लगेगा क्योंकि वो गर्म है, किंतु जब वो खाएगा गन्ने को वो फिर उसमें मीठा भी लगता है खाते समय, इधर गर्म लगता है मुख जलता है, किंतु जो मीठा लगता है खाने के लिए अच्छा भी लगता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये कृष्ण का प्रति जो प्रेम भावना है ये तप्त इक्षु चरवण के समान है, ये तप्त गन्ने को चबाने के समान है। मुखा जले ना जाए तेजन, मुँह जलता है गर्मी से किंतु उसको त्यागा नहीं जा सकता क्योंकि वो मीठा लग रहा है, कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है, तो कुछ कष्ट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ कुछ आनंद भी मिल रहा है,
तो दोनों विरोधाभास हैं, एक साथ कष्ट और सुख। इसलिए कहते हैं सही प्रेमा जार मने तार विक्रम सही जाने। जिस व्यक्ति ने कृष्ण प्रेम का अनुभव किया है, जिसको ये अनुभव नहीं है वो कृष्ण प्रेम के महत्व को समझ नहीं सकता, किंतु जिसको यह अनुभव है कृष्ण प्रेम के महत्व का अनुभव, तो उसकी विशेषता को वो जानता है। विषामृत एकत्र मिलन, विष और अमृत का जैसे एक साथ मिलन हुआ है, ये कृष्ण प्रेम में विष और अमृत का एक साथ मिलन हुआ है, जैसे तप्त इक्षु चर्वण के समान। कुछ आनंद भी प्राप्त होता है और मुख भी जलता है, तो कृष्ण प्रेम उसी प्रकार है। कृष्ण प्रेम से अमृत का आस्वादन होता है और कृष्ण के विरह से जो दुख उत्पन्न होता है वो विष के समान प्रतीत होता है। तो विष और अमृत का एक साथ मिलन हुआ है, और यद्यपि वो विष के समान प्रतीत होता है, दुख के समान प्रतीत होता है, फिर भी कृष्ण विरह में जो दुख उत्पन्न होता है उससे भी आनंद प्राप्त होता है। ये इसकी एक विशेषता जो राधा रानी में था, ये विशेषता थी अधिरूढ़ महाभाव में। इसलिए वो कृष्ण को त्याग नहीं सकती थी किसी भी अवस्था में। कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग, दृढ़ आसक्ति, ये राधा रानी की प्रेम की विशेषता है। इसलिए स्वयं पद्म पुराण में बताया गया है कि जथा राधा प्रिया विष्णु, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रिया है, तस्य कुंडं प्रियं तथा, तो उसी प्रकार राधा रानी के कुंड, राधा कुंड भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार राधा रानी उनको अत्यंत प्रिय है, उनका कुंड भी उनको अत्यंत प्रिय है। सर्व गोपीसु सेविका विश्वर अत्यंत वल्लभा, समस्त गोपियों में ये सर्वश्रेष्ठ सेविका है और भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय श्रीमती राधा। और भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में स्वयं राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से कह रहे हैं कि त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या, यह पार्थ सारे त्रिलोक में ये पृथ्वी धन्या है, वो धन्य हो गई। किस लिए धन्य हो गई है? यत्र वृंदावनं पुरी, क्योंकि इस पृथ्वी पर वृंदावन धाम है। वृंदावन की स्थिति के कारण जो मेरा धाम है, जो मेरी लीला भूमि है, इसकी स्थिति के कारण ये पृथ्वी धन्य हो गई है संसार में, त्रिलोक में। तथापि गोपिका पार्थ, तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा विधाम, और ये वृंदावन भूमि क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं संसार में, त्रिलोक में? क्योंकि वहाँ पर मेरी गोपिकाएं निवास करती हैं, जो मेरी परम प्रियसियाँ हैं, और उनमें मेरी राधा रानी वहाँ निवास कर रही है। राधा विधा मम, भगवान कह रहे हैं कि मेरी राधा रानी,
वो निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्वयं भगवान राधा रानी को अपना परम प्रेयसी मानते हैं, श्रेष्ठ प्रेयसी मानते हैं। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण आर सब गोपीगण रसोपकरण। तो कोई सोच सकता है कि यदि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की इतनी प्रिय हैं तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ लीला कर सकते थे, इतनी गोपियों की क्या आवश्यकता थी। किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इन सारी गोपियों की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लीला रस आस्वादन करना चाह रहे थे और ये गोपियां उनके लीला रस आस्वादन की उपकरण थी। तो ये गोपियां कृष्ण को लीला रस आस्वादन करने में सहायिका थी क्योंकि अनेक नायिकाओं के बिना ये लीला रस का आस्वादन श्रेष्ठ रूप में नहीं हो सकता। या राधा रानी की श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती कि राधा रानी किस प्रकार श्रेष्ठ हैं, इसकी स्थापना नहीं हो सकती थी। इसलिए कृष्ण बल्लवा राधा कृष्ण प्राणधन, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्राणधन स्वरूप हैं और उनकी प्रिया हैं। ताहा बिनु सुख हेतु नहे गोपीगण, इसलिए राधा रानी के बिना गोपियां भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने में समर्थ नहीं है। तो ये गोपियां कृष्ण के सुख के हेतु नहीं है राधा रानी के बिना, राधा रानी के साथ ये गोपियां कृष्ण के सुख के हेतु बन सकती है, कारण बन सकती है। तो ये गोपियां दो तरह की थी, तो एक प्रकार की गोपियां थी जो बामा स्वरूपा थी और उनका भाव बामा भाव, और कुछ गोपियां थी जिनका भाव दक्षिणा भाव। बामा एक गोपीगण दक्षिणा एक गण, नाना भावे कराये कृष्ण रस आस्वादन। तो ये बामा और दक्षिणा भाव के कारण कृष्ण इस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे थे। तो ये बामा गोपीगण और दक्षिणा गोपीगण ये कौन कौन है, जबकि गोपियां अनेक थी, अनंत कोटि गोपियां थी, किंतु उनमें जो श्रेष्ठ थी चंद्रावली और श्रीमती राधिका, ये युथेश्वरी है, उनके युथ में कई गोपियां हैं। तो चंद्रावली ये दक्षिण स्वभावयुक्ता गोपी है और श्रीमती राधा रानी बामा स्वभावयुक्ता है। तो इनमें अंतर क्या है कि जो दक्षिणा स्वभावयुक्त गोपियां हैं ये कृष्ण के प्रति आदर का भाव रखती हैं और वे सोचती हैं कि हम कृष्ण के हैं, किंतु जो बामा स्वभाव वाली गोपियां हैं जिनमें श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी हैं वे सोचती हैं कि कृष्ण मेरे हैं। तो इसमें अंतर है, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण मेरे, इसमें अधिकार आ जाता है।
तो श्रीमती राधारानी सोचते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के प्रति अधिकार है, क्योंकि कृष्ण राधारानी के प्रेम के वशीभूत है। चंद्रावली के प्रेम में वशीभूत नहीं है, किंतु राधारानी के प्रेम में वशीभूत है। तो यही अंतर है बामा और दक्षिण स्वभाव वाले गोपियों में। गोपीगण मध्य श्रेष्ठा राधा ठाकुरानी निर्मल उज्जवल रस प्रेम रत्न खानी। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठा हैं श्रीमती राधा ठाकुर। श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठा हैं जो निर्मल उज्जवल रस। तो उज्जवल रस जो माधुर्य रस है, जो अत्यंत पवित्र रस है, परम पवित्र, ये संसार का माधुर्य रस नहीं है। संसार का, भौतिक संसार का जो माधुर्य रस है वो केवल मैथुन में ही परिवेशित होता है, किंतु ये जो माधुर्य रस की बात कही जा रही है कृष्ण और गोपियों में, इसमें मैथुन सुख का कोई नाम गंध नहीं, केवल प्रेम की चरम पराकाष्ठा। इसलिए इसको निर्मल उज्जवल माधुर्य रस कहा गया। इस पूर्ण शुद्ध पवित्र, तो कृष्ण और गोपियों में जो संपर्क है ये पवित्र संपर्क है। ये संसार में जैसे पुरुष स्त्री का संपर्क ऐसा संपर्क नहीं, क्योंकि ये सब दिव्य है। भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य और गोपियों का शरीर भी दिव्य, हमारे शरीर जैसा भौतिक नहीं है। इसलिए उस लीला में वही प्रवेश पा सकता है जो भौतिक संसार के मैथुन रस से परे है, इसको अतिक्रमण कर सकता है। ये संसार मैथुनागार है, उसके परे जो जाकर शुद्ध निर्मल प्रेम भाव प्रदर्शन करेगा भगवान कृष्ण के प्रति, वही उस लीला में अंश ग्रहण कर सकता। तो इसलिए भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ कोई सांसारिक मैथुन संबंध नहीं था। इसलिए कल जब हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण को जब गोपियों ने पूछा, क्योंकि वो यमुना पार करना चाह रही थी गोपियाँ, क्योंकि दुर्वासा मुनि आए हुए थे यमुना के उस पार थे, तो उनको कुछ खाद्य द्रव्य बनाकर उनको देना चाहती थी गोपियाँ, और उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद कामना करती थी कि दुर्वासा मुनि उनको आशीर्वाद दें तो वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। तो जब यमुना को पार करने जा रही है, कोई नौका नहीं है, और यमुना का जल भरा हुआ है यमुना में, तो गोपियों ने कृष्ण से पूछा था कि हम कैसे यमुना पार कर सकते हैं, हम थोड़ा जाकर दुर्वासा मुनि को कुछ खाद्य द्रव्य देकर उनको प्रसन्न करना चाहती हैं, उनके आशीर्वाद की कामना करना चाहती हैं, तो हम कैसे यमुना के उस पर जा सकती हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जाओ यमुना से कहो कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। तो गोपियाँ हंसने लगी कृष्ण की बात सुनकर। तो गोपियों ने कहा कि आप हमारा संग करते हैं और कहते हैं अपने को ब्रह्मचारी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर यमुना से कहो ये बात, यमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। यदि यह बात सत्य है, यमुना रास्ता दे देगी। तो गोपियों ने कहा चलो देखते हैं।
तो यमुना से जाकर कहा कि माता यमुना, यदि कृष्ण सत्य ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो उस पर जाने के लिए। तो तुरंत यमुना का जल दो भाग हो गया और बीच में रास्ता खुल गया, तो गोपियाँ उस तरफ गई और तरह तरह के खाद्य द्रव्य प्रस्तुत करके दुर्वासा मुनि को खिलाया और दुर्वासा मुनि ने भरपेट खाया और गोपियों को आशीर्वाद दिया कि कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होंगे। तो गोपियाँ बहुत खुश होकर लौट आए। फिर जब आती हैं देखती हैं फिर यमुना को पार करना है, तो बोले कि वो सोच रही थी कि अब क्या करें एक बार तो कृष्ण ने बता दिया हम कहाँ कर आ गए इस तरफ, अब उस तरफ कैसे जाएं। तो फिर वो लौट करके गई दुर्वासा मुनि के पास और दुर्वासा मुनि से पूछा कि मुनिवर, हम लोग तो आए थे यमुना पार करके कृष्ण के कहने पर, अब हम कैसे पार करके उस पार जाएंगे, आप थोड़ा कुछ उपाय बताएं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जाकर यमुना से कहो कि दुर्वासा मुनि ने अभी तक कुछ खाया नहीं तो गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गए कि अभी अभी इनको हमने इतना खिलाया और ये कह रहे हैं कि अभी तक कुछ खाया ही नहीं तो ठीक है, जब मुनिवर बोल रहे हैं चलो देखते हैं। तो जाकर यमुना से कहती हैं गोपियाँ कि यमुना देवी, यदि यह सत्य है कि दुर्वासा मुनि ने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो आप हमें रास्ता दे दो। तो यमुना ने रास्ता दे दिया तुरंत जल दो भाग हो गया और रास्ता बन गया, गोपियाँ इस तरफ आ गए। किंतु उनके मन में ये सब शंका उत्पन्न हो गई कि ये क्या बात है, इधर कृष्ण बोलते हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं और उधर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि उन्होंने कुछ खाया नहीं। तो जाकर गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि ये क्या बात है, आपकी कैसी लीला है, ये हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहे। तो तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वस्तुतः मन जिसके प्रति आसक्त होता है व्यक्ति उसी को ग्रहण करता है, क्योंकि मन आसक्त होने का अर्थ है इंद्रियां उसके प्रति आसक्त हो गए। यद्यपि मैं तुम लोगों का संग कर रहा हूं, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं गोपियों को, किंतु मैं जितेंद्रिय हूं, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को मैंने जीत लिया है, इसलिए हमारा मन और इंद्रियां आसक्त नहीं है, हम अनासक्त हैं, इसलिए हमने कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं। यद्यपि तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे साथ में लीला कर रहा हूँ, किंतु मैं पूर्णानंदमय चिन्मय पूर्ण तत्व, मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण आत्मा राम है, स्वयं अपने आप में रमण करते हैं, तब ये लीला क्यों करते हैं फिर गोपियों के साथ, गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए।
गोपियाँ चाहती थी भगवान कृष्ण के साथ लीला करने के लिए, उनकी इच्छा को भगवान केवल पूर्ण कर रहे थे, वो किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। और इसके माध्यम से संसार के जीवों को भगवान कृष्ण अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे इन लीलाओं के माध्यम से, यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हम अनासक्त हैं, हम आसक्त नहीं हैं। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि अपने प्रेम भाव का प्रदर्शन कर रहे थे गोपियों के प्रति, क्योंकि गोपियां भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का प्रदर्शन कर रही थी, तो प्रेम भाव का जो दिव्य प्रेम भाव है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिव्य प्रेम भाव में, प्रेम भाव के प्रदर्शन में आलिंगन चुंबन आदि संभव है, हो सकता है, किंतु मैथुन क्रिया कभी नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नो सेक्स लाइफ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इन द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा विद द गोपीज। ये भौतिक इसलिए नहीं है, जैसे माता पुत्र को गोद में लेती है, आलिंगन करती है, चुम्बन देती है, ये प्रेम का प्रतीक है। यद्यपि भौतिक संसार में वो शुद्ध प्रेम नहीं है, फिर भी ये एक प्रेम का प्रदर्शन है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण और गोपियां अपने प्रेम का प्रदर्शन करती थी, किंतु उसमें कोई भौतिक काम भाव नहीं था। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने समझाया कि दुर्वासा मुनि ने जब खाया है फिर भी वो कभी आसक्त नहीं थे उस खाद्य के प्रति, या खाद्य में जो स्वाद है उसके प्रति भी वो आसक्त नहीं थे। इसलिए उनका खाना नहीं खाने के समान है। जहाँ मन आसक्त नहीं है, इंद्रियां आसक्त नहीं है, तो वो कार्य करने पर भी वो अनासक्त भाव से कर रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अधिरूढ़ महाभाव है श्रीमती राधारानी के, तो विशुद्ध ये निर्मल प्रेम है दस बाण हेम, कि सोने को 10 बार आग में डालकर उसको शुद्ध किया जाए। जैसे संपूर्ण शुद्ध हो जाता है स्वर्ण, उसी प्रकार राधारानी का प्रेम संपूर्ण शुद्ध है। इसमें भौतिकता का कोई अंश नहीं है, कोई चिन्ह नहीं। कृष्णर दर्शन यदि पायो आचंबित नाना भाव विभूषण है विभूषित। तो श्रीमती राधारानी जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनके हृदय में तरह तरह के भाव दृष्टिगत होते हैं। और ये भाव सब क्या क्या हैं? किल किंचित कुटुमित विलास ललित विबोक मोटाईत और मध्य चकित एत भाव भूषाय भूषित श्रीराधार अंग देखिते उथले कृष्ण सुखाप्ति तरंग। तो ये जो भावों का वर्णन किया गया है हम उसकी चर्चा अब नहीं कर रहे हैं, इसको अधिक समय लगेगा विस्तार पूर्वक। तो ये सब भाव जब एक साथ मिलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं राधारानी के हृदय में, तो इस प्रकार अधिरूढ़ महाभाव उत्पन्न होता है। जो अष्ट यही भाव युक्त देखिए राधा सनयन
संगम है इत सुख पाया कोटि गुण। श्रीमती राधा रानी इस प्रकार भावों से युक्त हो जाती है और इस अष्टभाव सम्मिलन में महाभाव का उद्रेक होता है, जिसमें गर्व, अभिलाषा, भय, शुष्क, उदित, क्रोध, असूया और मंदस्मित ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो बामा स्वभाव वाली गोपियों की बात कही जा रही थी, तो बामा स्वभाव वाली गोपियों में मान जो है ये निरंतर उठता है, वो मान करते हैं। जो दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां कभी मान नहीं कर सकती, क्योंकि उनको भय रहता है कि हम मान करेंगे तो कृष्ण हमें त्याग देंगे। जैसे रुक्मिणी देवी को जब भगवान कृष्ण ने उनके साथ हास्य परिहास में बहुत सारी बातें बताई तो रुक्मिणी देवी डर गई। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ये सारी बातें कह रहे हैं, हो सकता है कि वो मुझे त्याग दें। यद्यपि मजाक में कृष्ण कह रहे थे रुक्मिणी देवी के भाव को जानने के लिए, किंतु रुक्मिणी देवी अचेतन होकर गिर पड़ी। तो जो दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां हैं ये भी कभी मान नहीं करती, क्योंकि उनको भय रहता है कि कृष्ण हमें त्याग देंगे। किंतु बामा स्वभाव वाली गोपियां जिनमें राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं वो मान करती रहती है कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण हमें कभी त्याग नहीं सकते, ये भाव रहता है, इसलिए मान करती है कृष्ण अवश्य मेरे पास आएंगे। मान करने पर भी कृष्ण अवश्य मेरे पास आएंगे, ये भाव है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बाम्य स्वभाव मान उठे निरंतर, तार मध्य उठे कृष्णेर आनंद सागर। और जब श्रीमती राधारानी मान करते हैं और भगवान कृष्ण देखते हैं कि राधारानी मान करके बैठी है और उनको मनाने आते हैं, उसमें भगवान कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि यही प्रेम की गति है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि अहे अरे व गति प्रेम न स्वभाव कुटिला भवेत। ये जो प्रेम की गति है, स्वभाव है, ये कुटिल स्वभाव होता है। अहे रिव, अहे अर्थात अहि, सर्प के समान, सर्प की गति जिस प्रकार कुटिल गति होती है, इस प्रकार प्रेम की गति होती है। कभी मान है, कभी मान उठता है, तो दोनों प्रेमियों में थोड़े समय के लिए कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये वस्तुतः प्रेम की वृद्धि में सहायक होता है, ये मान प्रेम वृद्धि में सहायक होता है। इसलिए कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं, जब राधा रानी मान करती हैं कृष्ण आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आमी है, कृष्ण कहे आमी है रसेर निदान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं रस का निदान हूँ, अर्थात रस का उस हूँ, प्रेम रस का मैं स्रोत हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण को रसो वैसह कहा गया है शास्त्रों में। रस के मूर्तिमंत स्वरूप है, उज्जवल माधुर्य रस के मूर्तिमंत स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण।
तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं रस का स्रोत हूँ, पूर्णानंद आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, पूर्णानंदमय मैं आनंदमय हूँ, पूर्ण आनंदमय हूँ, आनंद के लिए मुझे और किसी की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं पूर्णतः अपने आप में पूर्ण हूँ। फिर भी राधिकार प्रेमा में, राधिकार प्रेमा माय कराए उन्मत्त। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, फिर भी ये राधा रानी के प्रेम की क्या विशेषता है कि उनका प्रेम मुझे उन्मत्त करा रहा है, मैं स्वयं संपूर्ण होने पर भी राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मादित कर रहा है, तो इसका क्या कारण है? ना जानी राधा रो प्रेमे आछे कत बल। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे पता नहीं ये राधा रानी के प्रेम में कितना बल है, कितनी शक्ति है, कि जे बल हमारे करे सर्वदा बिहोल। तो उनकी उनके प्रेम में कितना बल है, कितनी शक्ति है, जिसके कारण वो मुझे सदा सर्वदा बिहोल कर रही अपने प्रेम के द्वारा। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। तो भगवान कृष्ण मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का मेरे प्रति जो प्रेम है वो मेरे गुरु के समान, और हम राधा रानी के शिष्य हैं इस प्रेम व्यापार में। क्यों शिष्य बन गए भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं सदा मां नाना नृत्य नाचाए उद्भट। ये राधा रानी का जो प्रेम है वो मुझे नचा रहा है। तो इसलिए राधा रानी का प्रेम ही मेरे गुरु हैं, मैं उनके प्रेम का शिष्य हूँ, राधा रानी मेरे गुरु है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वृंदा देवी आ रही थी और रास्ते में श्रीमती राधा रानी से उनकी भेंट हो गई। तो राधा रानी ने वृंदा देवी से पूछा कि कस्मात वृंदे प्रिया सखी, हे प्रिय सखी वृंदे तुम कहाँ से आ रही हो? राधा रानी ने पूछा। तो वृंदा देवी ने कहा हरे पादा मुलात, तो मैं भगवान हरि के चरण कमल से आ रहे, अर्थात मैं भगवान के चरण कमल के निकट था और वहीं से आ रही। तो राधा रानी ने पूछा कुतो सौ, तो ये हरि, भगवान हरि कहाँ पर हैं? तो वृंदा देवी ने उत्तर दिया कुंडारण्य। ये कुंड के निकटवर्ती अरण्य या वन प्रदेश में। कौन सा कुंड है? राधा कुंड। तो वृंदा देवी कह रहे कि राधा कुंड तुम्हारे कुंड के तटवर्ती वन प्रदेश में भगवान हरि स्थित है। किंग यह कुरुते? तो राधा रानी ने पूछा वृंदा देवी से तो वहाँ पर हरि क्या कर रहे हैं? राधा कुंड के तटवर्ती वन प्रदेश में हरि क्या कर रहे हैं? तो वृंदा देवी कह रही है नृत्य शिक्षा, तो वहाँ नृत्य सीख रहे हैं।
तो राधा रानी आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण नृत्य सीख रहे हैं, जो नटवर हैं, नट श्रेष्ठ हैं, नर्तकों में श्रेष्ठ हैं, वो नृत्य सीख रहे हैं। भगवान कृष्ण को नटवर कहा गया है। बराह पीड़ा नटवर बपु कर्ण यो कर्णिकार, तो नट श्रेष्ठ, नर्तक श्रेष्ठ, सारे नृत्य उन्हीं से ही उद्भूत होते हैं, भगवान कृष्ण से सारे नृत्य और संगीत, इसके मूल उससे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वो अब नृत्य सीख रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी आश्चर्य होकर पूछती है वृंदा देवी से कि यदि भगवान हरि कृष्ण नृत्य सीख रहे हैं तो गुरु कह, उनके गुरु कौन है? किसी गुरु से तो नृत्य सीखना चाहिए ना। तो उनके गुरु तब कौन है, किससे सीख रहे हैं? तो वृंदा देवी कह रही हैं कि तं त्वत् मूर्ति ही प्रति तरुलतं दिक् विदिक्षु स्फुरन्ति। हे राधे, तुम्हारी जो मूर्ति है, तुम्हारी मूर्ति उस वन प्रदेश में चारों दिशाओं में वो स्फुरित हो रही। ये भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी मूर्ति को ही देखते हैं वहाँ, चारों ओर वन प्रदेश में हर तरु लता में तुम्हारी मूर्ति को देख रहे हैं। और शैलू से ही वह भ्रमति परित नर्तयन्ति तव पश्चात। और तुम्हारी मूर्ति जब सारे वन प्रदेश में, सारे वृक्ष और लताओं में परित वो भ्रमण करती है, नृत्य करते हुए, तो भगवान हरि क्या करते हैं? तुम्हारी मूर्ति का पश्चात धावन करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, नृत्य करते हैं। तुम्हारी मूर्ति नृत्य करती है और तुमसे देखकर भगवान हरि भी नृत्य करते हुए तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तुम जैसा वहां पर कोई श्रेष्ठ नर्तकी बनी हुई हो तुम्हारी मूर्ति में, अर्थात तुमसे ही नृत्य शिक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी मूर्ति से नृत्य शिक्षा कर रहे हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं मान रहे हैं कि राधिका का प्रेम मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य नट हूँ, उनसे ये प्रेम का नृत्य सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेम की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं, प्रेम की विशेषता को स्थापित कर रहे हैं। तो आज तो हमारा समय हो चुका है, ये प्रसंग बहुत लंबा प्रसंग है। जो भी हो, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस प्रकार अनंत हैं और उनके लीलाएं अनंत हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी की लीलाएं भी अनंत लीलाएं हैं। तो उसको हम समाप्त कभी नहीं कर सकते, केवल उनकी लीलाओं को विराम दे सकते हैं। और पुनः कल हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी के कुछ लीलाओं के संबंध में और कुछ गुणों के संबंध में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।